नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई खाने की वीडियो नहीं बनाएंगे, बल्कि आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग। मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये आज ही जो है डिलीवरी इसकी हुई है, अमेज़ॉन से मैंने इसको मंगवाया है। और चलिए चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ही शेयर करती हूँ, इसको इकट्ठे जो है इसको खोलेंगे। इसको खोल लेते हैं। तो ये इसके अंदर है एक बॉक्स, इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए, ये है आपके सामने एग बॉयलर। तो ये एग बॉयलर मैंने मंगवाया है, तो चलिए देखते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है। इसको खोल कर एक बारी देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो है एक छोटी सी ये कॉपी सी है, जिसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि इसको यूज़ करने का क्या वे है। पूरी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर जो है दी हुई हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। साथ ही में इसके जो है ये वारंटी कार्ड भी है, 6 मंथ्स की इसकी जो है वारंटी है। ये देख सकते हैं, इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, क्वालिटी टिप्स दी हुई हैं जो है इसके अंदर, सब सेफ्टी मेजर्स इंस्ट्रक्शंस, कैसे इसको हमने ऑपरेट करना है, इसका क्लीनिंग मेथड, सब कुछ इसमें डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है। तो इसको संभाल के रख लें। और ये जो एग पोचर है, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है अमेज़ॉन में। और बहुत ही जो है इसको देखते हैं कि प्रोडक्ट, मैं पहले आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। ये छोटा सा है, ये इसमें जो है एग स्टीम करने के अलावा हम इसमें जो है एग फ्राई भी कर सकते हैं। और इसके साथ जो है हमें मेजरिंग कप भी मिला हुआ है। चलिए देखते हैं इसको खोलकर इसके अंदर क्या है। ये देखिए, काफ़ी छोटा सा हैंडी है ये। इसके साथ इसको खोलते हैं इस तरह से, तो ये मेजरिंग कप है। इसमें हमने किस तरह से एग को बॉईल करना है, फुल बॉईल, हाफ बॉईल, किस तरह का हमें एग चाहिए, उस हिसाब से हम जो है पानी इसके अंदर डालेंगे। और ये इस तरह से ट्रे बनी हुई है, जिसके अंदर ये बड़े होल्स के अंदर जो है हमने एग फिट कर देना है। 6 eggs जो है इसमें बॉयल एट अ टाइम हो जाएंगे। और ये इस तरह से जो है ये बना हुआ है स्टेनलेस स्टील का। और ये वायर है, इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। ये वायर काफ़ी लंबी लग रही है, तकरीबन 1 meter से ऊपर की जो है मुझे लगता है इसकी लेंथ है। काफ़ी जो है इजीली जो है इसको यूजेबल है। ये देखिए, तकरीबन 1 meter की तो ये वायर है ही। तो इसके अंदर हम इसका जो ये कैप है, ये इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है सामान। तो मैं बताती हूँ इसको हम यूज़ किस तरह से करेंगे। तो ये जो ट्रे है, इसके ऊपर हम डाल देंगे पानी इस तरह से। इसको यूज़ करने का मैं ये मेथड बता रही हूँ आपको। इसके अंदर रख देंगे ये रैक वापस, और हम एग्स लेंगे। ये जो एग का पॉइंटेड पोर्शन है, ये पॉइंटेड वाला, दो साइड ये फ्लैट है, और ये पॉइंटेड जो है पॉइंटेड को ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से जो है हमने एग्स को फिट कर देना है। सारे एग्स के जो पॉइंटेड पोर्शन है वो ऊपर रखेंगे इस तरह से। इसको बंद कर देंगे और नीचे से ये स्विच जो है ऑन कर देंगे। यहाँ से प्लग को स्विच को खोल देंगे और ये ऑन। ये आप देख सकते हैं ये लाइट ओपन हो गई है। इसी तरह से इसको रहने देंगे। यहाँ से एक होल है, इससे जो है स्टीम निकलेगी। तो आपको कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि स्टीम इसमें निकलनी शुरू हो गई है। तो ये तो तरीका हो गया एग को फिट करने का। पानी हमने इसमें डाल दिया है मेजरमेंट के हिसाब से, ये मेजरिंग कप के हिसाब से हमने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको हम बॉईल होने देते हैं। तो लीजिए, अभी 1 minute भी नहीं हुआ है, तकरीबन आधा मिनट ही हुआ है, और पानी जो है इसमें से बॉईल होना शुरू हो गया है। आपको मैं अगर पास से दिखाऊँ तो आपको ये देखिए नज़र आ रहा होगा होल्स के बीच में से, इस तरह यहाँ से कि पानी किस तरह से बॉईल हो रहा है। कुछ ही देर में आप देखेंगे स्टीम निकलनी शुरू हो गई। ये देखिए, आप देख रहे हैं पानी
मैं आपको पास से दिखा रही हूँ किस तरह से ये बॉयल हो रहा है। साफ पता लग रहा है अंदर कि पानी जो है गर्म हो चुका है और बॉयल होना शुरू हो गया। तो ये देखिए एक मिनट की बॉयल होने के बाद ही आप देखेंगे कि ऊपर जो है किस तरह से ये वाइट वाइट ये जो है स्टीम आने लग गई है। तो किस तरह से स्टीम जो है इसकी, ये देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से स्टीम नज़र आ रही है। तो ये अच्छे से ये स्टीम होना शुरू हो गया। अभी एक से डेढ़ मिनट ही हुआ है और अच्छे से आप देख सकते हैं ऊपर तक स्टीम निकलनी शुरू हो गई है। बहुत गर्म हो गया, इसको गलती से भी यहाँ से हाथ ना लगा लें, ऊपर से क्लिप से ही जो है इसको टच करें और इसको जब निकालना हो तभी निकालें, बिल्कुल भी इसके पास ना जाएं अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ये हीटेड है। तो लीजिए 5 मिनट हुए हैं सिर्फ अभी घड़ी से और हमारे जो ये स्विच है ऑफ हो चुका है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऑफ हो गया। इसको निकाल लेते हैं और लीजिए हमारे एग जो है बॉयल हो चुके हैं। इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे और फिर जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे एग जो है बॉयल होकर के रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान है इसको बॉयल करना। ये देखिए मैं इसको उठा के आपको ट्रे को दिखाती हूँ, इसमें जितना भी पानी था ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, ड्राई हो गया ये बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल हैंडी है। बिल्कुल ना तो कोई ज़्यादा इसमें ना तो बर्तन लगते हैं और ना ही हमें कोई ज़्यादा झंझट है बॉयल करने का एग। तो लीजिए देख सकते हैं एग को मैंने अच्छे से छील लिया और कितना बढ़िया तरीके से जो है ये छील गया। मैं आपको बीच में से जो है कट करके इसको दिखाती हूँ एग को। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा एग जो है बॉयल होकर के रेडी हो गया है। ये देखिए कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि हाफ बॉयल हो जाएगा, हमने कम बॉयल कर दिए, ऑटोमेटिकली जो है हमारा एग जो है ये बॉयल हो गया। ये देखिए देख रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से ये बॉयल हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया, मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया लगा है। आपको अगर पसंद आए तो आप भी बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। कोई बर्तन का झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि हमारे एग ठीक से बॉयल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट ही आपके एग जो है बॉयल होकर रेडी होंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा जो ये प्रोडक्ट है ये आप भी बाय कर सकते हैं। इसे बहुत ही हैंडी है, इसको इस तरह से क्लीन करके जो है वापस आप इसी तरह से पैक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मुझे तो बढ़िया प्रोडक्ट लगा है और महंगा भी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सस्ता सा जो है ये प्रोडक्ट है। ये मैंने अराउंड 400 रुपीज़ का ख़रीदा है, तो बहुत ही सस्ता है और बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत ही कम स्पेस लेता है और बहुत ही जल्दी जो है एग बॉइल करता है। हमारे लिए बहुत ही ईजी इसने कर दिया काम। तो बहुत ही मुझे तो बढ़िया लगा है ये प्रोडक्ट। आपको पसंद आ रहा है तो आप भी बाय कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, खूब शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।